चैप्टर 3। अगर आपकी प्रॉब्लम्स इस तरह से हो रही है कि आप चीजों को बार बार भूल रहे हो, बातों में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, स्ट्रेस में होते हो, आलस रहता है, कोई भी काम करने को मन नहीं करता है, बैक पेन करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह मोबाइल की वजह से हो रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हुई स्टडी से पता लगता है कि वह लोग जो अपना टाइम मोबाइल में ज्यादा स्पेंड करते हैं वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। जो इस एडिक्शन से निकल रहा है उसका डिप्रेशन 68 मिनट्स का होता है, जबकि जिसकी मेंटल हेल्थ सही होती है उसका डिप्रेशन 17 मिनट्स का होता है। एक और रिसर्च जो 2012 में हुई उससे यह पता चलता है कि वो लोग जो इमीडिएट हाथों हाथ कोई भी मोबाइल में अलर्ट होता है उसे पढ़ते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अब बात करते हैं नींद के बारे में, क्योंकि नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको दिन में एनर्जी नहीं रहती है, अगर थका हुआ फील होता है, अगर बेवक्त बार बार नींद आती है, इसका मतलब है आपने रात की नींद ठीक से नहीं ली। क्वालिटी नींद न लेने से ब्रेन मेमोरी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक रिसर्च कहती है कि जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें से 18 से 29 एज में जो आते हैं उन सब में से 63% लोग अपने सेलफोन, स्मार्टफोन या टैबलेट्स को साथ लेकर सोते हैं, और जो लोग 30 से 64 की एज के होते हैं उनमें से अराउंड 30% यही सेम चीजें करते हैं, अपने मोबाइल को साथ लेकर ही सो जाते हैं। लेकिन इसमें चिंता की बात कहाँ है? चिंता की बात यह है कि एक और रिसर्च जो कि सितंबर 2015 में पब्लिश हुई थी कहती है कि जो आप कैफीन लेते हो जो कि चाय और कॉफी में होता है वह आपकी नींद के शेड्यूल में इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना कि मोबाइल की ब्राइट लाइट रात के समय करती है। अगर आपकी हैबिट है नाइट में मोबाइल यूज करने की, देन चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी और नींद पूरी नहीं हो रही होगी। लेकिन वो तो भला हमारे अंदर मेलाटोनिन का, जो हमें ये बताता है कि यह हमारा टाइम हो चुका है सोने का और नींद आ जाती है। हार्वर्ड की रिसर्च ने 6.5 घंटे तक के ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट के एक्सपोजर के इफेक्ट को देखा और पता चला कि ब्लू लाइट ग्रीन लाइट से दुगना मेलाटोनिन को रोक देती है जो कि आपके मोबाइल डिस्प्ले में होती है, उसकी वजह से जो आपको नींद आने में तकलीफ होती है। नींद के बारे में इतनी रिसर्चेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नींद डिस्टर्ब होने से इंसान की लाइफ किस किस तरीके से बर्बाद हो सकती है इसके बारे में लगभग लोगों को तब ही पता लगता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, जब नींद के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ चुकी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपको अजीब लगेगी, वह है बैक्टीरिया। यह एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली रिसर्च है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रिसर्च ने पता लगाया कि आपके टॉयलेट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल पर होते हैं, और आप उसे यूज करते वक्त खाना खाते हो, उसका इतना यूज करने के बाद ग्लास को हाथ लगाते हो, टॉयलेट तो आप रेगुलर क्लीन भी करते हो लेकिन मोबाइल जैसी चीज को आप कभी क्लीन नहीं करते। आपके मोबाइल को बार बार हाथ लगाने की हैबिट आपको कब कब बीमार भी कर रही है यह भी आपको नहीं पता। फैमिली फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो हम अपनों से इतने दूर होते जा रहे हैं कि पड़ोसियों के नाम तक नहीं पता, गली के फ्रेंड्स से ढंग से कब बात की यह नहीं पता, लेकिन दूर दूर तक रह रहे ऐसे इंसान से हम घंटों तक बात करते हैं जो मे बी सिर्फ उसको मोबाइल की लत है इसलिए बात करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च कहती है कि स्मार्टफोन के यूज से हम सेल्फिश बन जाते हैं और सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज्यादा नुकसान है जो कि धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर मार रहे हैं। इससे फायदा सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज को ही हो रहा है जो हो सकता है खुद इतना मोबाइल यूज नहीं करते हैं, खुद अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं। एक सिगरेट बेचने वाला जरूरी नहीं कि वह भी स्मोकिंग करता है, तो अवेयर रहो। अगर इसी तरह हेल्थ की 12 बजते रहे और आप सक्सेस भी हो गए तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आ जाएगा आपके पास पैसा, नाम, यह सब चीजें होंगी, इवन आपने शादी भी उसी लड़की से कर ली जिससे करने के लिए आपके घर वाले रोक रहे थे, तब भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ से जा चुकी होगी। मुझे ज्यादातर YouTube पर सुनने वाले लोगों में 80% लोग यूथ है। मैं चाहता हूँ कि सक्सेस पर काम करने के साथ आप अपनी यह हैबिट चेंज करो। जो भी न्यू ईयर में आप करना चाहते हो उसमें एक यह मोबाइल भी है जो आपको आपके गोल्स की तरफ जाने से रोक रहा है। हो सकता है आपको कभी कभी बुरा फील होता है, आपको बेवजह बुरा फील होता है, वह ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने की वजह से हो रहा है क्योंकि आपके माइंड की पूरी तरह से
12 बज चुकी है, जिसकी वजह से आप न्यू ईयर पर बनाए गए गोल्स पर काम नहीं कर सकते। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपके साल के बचे हुए 3120 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, शायद इसमें मोबाइल सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए मुझे इतनी रिसर्च बतानी पड़ी ताकि आप डरो, आपको फिक्र हो, आप न्यू ईयर से मोबाइल के यूज को कंट्रोल करो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको यूज करे आपको आपके गोल से दूर करने के लिए। #1 एनर्जी प्लस माइंड प्लस बॉडी प्लस गोल्स प्लस शेड्यूल्स। सारा खेल जो है वो है अपनी एनर्जी को एनालाइज करने का, अपनी बॉडी और माइंड को समझने का, और फिर देखो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम से अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहोगे, आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा, आलस आएगा, दिन को भी नींद जैसा फील होगा। जैसा कि मैंने बुक की स्टार्टिंग में तो बता दिया कि आपके पास 3120 घंटे एक साल में बचते हैं, जिसे आप बुक रीडिंग में लगा सकते हो, जिसे आप दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, जिसे आप एक्स्ट्रा इनकम के कामों में लगा सकते हो, जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए एनर्जी तो रहे, मोटिवेशन तो रहे, एनर्जी को लगानी है माइंड और बॉडी में। अब यह एनर्जी कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी लगानी है माइंड और बॉडी में, वो भी शेड्यूल बनाकर कि मुझे इस टाइम में यह चीजें करनी है। सारी चीजें नजरों में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कल प्लानिंग बनाई और आज भूल गए, और यह सब करना है गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन पहले गोल को समझना होता है, गोल को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना होता है। तो बताइए आपके क्या क्या गोल्स हैं 2020 या 21 के लिए, या फिर जिस भी वक्त आप यह बुक पढ़ रहे हो, आने वाले साल के लिए या इस साल के बचे हुए मंथ्स के लिए। बताइए आप अपने आने वाले एक्स्ट्रा 3120 आवर्स कहाँ दे रहे हो। क्या आप ऐसे ही हर सवाल की तरह अनकॉन्शियसली जीना चाहते हो कि आपको पता भी ना हो कि आपका यह एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है, या फिर आपको अब आने वाला पूरा टाइम ट्रैक करना है, गोल सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है। क्या आपने वो सारे गोल्स छोटे छोटे पार्ट में बांटे? छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांटना है? क्योंकि जब आप छोटे से गोल्स को भी अचीव कर लेते हो तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया, और फिर अगले गोल पर मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब तक तो मैंने यह बताया कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, क्योंकि आपके जनवरी के शुरू होने से पहले बनाए हुए गोल्स पूरे साल में पूरे नहीं हो पाते हैं, और फिर दूसरे साल का जनवरी भी आ जाता है पर आपका गोल अचीव नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स की।